नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज जनता की समस्या, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर सुनेंगे। बता दें आपको कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज पहली बार जनता दरबार लगने जा रहा है, जिसमें जो जन प्रतिनिधि हैं वो अपनी समस्या लेकर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे। बता दें आपको कि इससे पहले भी जनता दरबार की हमने कई सारी तस्वीरें देखी हैं, जहां पर अपनी अलग अलग समस्या लेकर जो फरियादी है वो पहुंचते हैं सीएम नीतीश कुमार के सामने, अपनी परेशानी को बताते हैं और तुरंत ही उस समस्या के समाधान की जो कोशिश है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाती है। लेकिन आज का जनता दरबार बेहद खास होने वाला है। बता दें आपको कि आज का जो जनता दरबार है वो बेहद खास होगा। तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार एक साथ मिलकर जनता की परेशानी को सुनेंगे, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो राबड़ी आवास के बाहर जो है वो हर शाम जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए आते हैं, उन्हें जो है उनसे मुलाकात करने के बाद तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। लेकिन आज चूंकि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ जनता दरबार में बैठने वाले हैं, तो ये दिन बेहद खास है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही लगातार विकास के दावे किए जाने के जो वादे हैं वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है, और यही वजह है कि महागठबंधन की सरकार बनते ही सीएम नीतीश कुमार आज जनता दरबार लगाएंगे। बता दें आपको कि जनता दरबार में अलग अलग विभाग से जुड़ी जो समस्या है वो लेकर जो फरियादी है वो सीएम नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और तुरंत ही उस परेशानी को हल करने की जो कोशिश है वो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाती है। और यही नहीं, आज से पहले भी जब बिहार में एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी हमने देखा था कि चाहे किसी भी विभाग से जुड़ी हुई समस्या हो, सीएम नीतीश कुमार तुरंत उस विभाग के अधिकारी को फोन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फरियादी के सामने ही जो है समाधान भी निकाल लिया जाता है। लेकिन आज एक साथ जो है वो जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बैठेंगे। जो लोग हैं वो अपनी अलग अलग समस्या लेकर दरबार में पहुंचेंगे और आज का दिन जो है वो बेहद खास है। ऐसे में जनता दरबार को लेकर आगे क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है, फरियादी जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इसकी भी तमाम तस्वीरें और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में जनता दरबार जो है वो शुरू होने वाला है। फरियादी जो है वो जनता दरबार के बाहर पहुंच चुके हैं और जैसे ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार पहुंचेंगे, उसकी भी तमाम तस्वीरें और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दिन बेहद खास, चूंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और यही वजह है कि आज से जनता दरबार का आगाज भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ जहां अलग अलग रणनीति को लेकर सीएम नीतीश कुमार जो है वो जुटे हुए हैं, खास करके मिशन 2024 की तैयारी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के लोगों की समस्या को भी जल्द से जल्द उसका समाधान निकाला जाए, उसका हल निकाला जाए, इसे लेकर जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो की जाती है, जिसे लेकर आज जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहां पर एक साथ तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार बैठेंगे, लोगों की परेशानी सुनेंगे और उसकी तमाम जो तस्वीरें सामने आएंगी जनता दरबार से वो आप तक जो है वो पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।